हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुख मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आज की हमारी वीडियो है, ये एक रिएक्शन की वीडियो है और इस वीडियो का नेम है द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान 1947, ग्रेटर पाकिस्तान की ये वीडियो है। पहले हम देखेंगे ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और उसमें मेरा रिएक्शन। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और इसमें मेरा रिएक्शन। हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। इसके अंदर कायदे आज़म की एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीच दिखाई गई थी और बहुत दिल को छूने वाली बातें की गई और दिखाई गई, जो कि देखने के बाद मुझे काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी कुछ आप कह लें कि एक तरह से सबक भी हासिल हुआ और मतलब और एक तरह से रूह में ताजगी सी आ गई कि किस तरह से बना था पाकिस्तान, कितनी जद्दोजहद के बाद और कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी थी और कितनी जानें ज़ाया हुई थी, मासूम जाने खासकर, और आप कह लें कि वो शहीद हुए थे एक तरह से, जो कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनते हुए जो लड़ाई झगड़े दंगे फसादात हो रहे थे उसके अंदर ज़्यादातर जो मारे गए और मुस्लिम भी हिंदू भी, वो मतलब एक तरह से आप कह लें कि वो एक तरह से मजलूम ही थे। और बस क्या करें, लड़ाई झगड़ों में तो यही होता है। और पार्टीशन के वक्त काफ़ी कुछ हुआ था जो कि इस वीडियो में तो खैर ज़रा सी झलक दिखाई गई, लेकिन जो है
बस अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ी जाए तो फिर बहुत एक तरह से दिल भर सा आता है कि क्या क्या हुआ था, कितने कितने लोगों को मतलब शहीद कर दिया गया था, मारा गया था, जो कि बेकसूर थे, मासूम थे, और काफ़ी कुछ हुआ था। और उसके बाद यानी कि काफ़ी जद्दोजहद के बाद पाकिस्तान बना था, और एज अ पाकिस्तानी जो है काफ़ी ज़्यादा लोग पाकिस्तान को अगर जैसे बुरा भला कहें या फिर कुछ भी कहें तो उनको इस बात को सोचना चाहिए कि कितनी मुश्किलों से ये वतन हासिल हुआ और कितनी मुश्किलों से बना और किन किन लोगों ने जाने कुर्बान दी और बुज़ुर्गों की दुआओं और बहुत से बुज़ुर्ग शहीद हुए और फिर जाकर ये वतन हासिल हुआ, जो कि हमें एज अ पाकिस्तानी अपने वतन की कदर करनी चाहिए और अहमियत करनी चाहिए। बहुत मज़ा आया, बहुत दिल को छूने वाली वीडियो थी, कमाल की थी एक तरह से, और बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है, बताई गई है, और जो उसमें कायद अजम की तकरीर थी वो बहुत कमाल की थी। मैं बहुत गौर से देख रहा था उसे, और इतनी पुरानी वीडियो थी वो कि क्या ही कहने, और बहुत मतलब बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इस वीडियो के अंदर यूज़ की गई है, जो कि मैंने देखा तो मज़ा आया मुझे, कमाल की थी। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय है इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।